मित्रों नमस्कार। सांख्य योग के इस कड़ी में, द्वितीय कड़ी में, जिसमें चर्चा करने वाले हम लोग इंद्रिय, एकादश इंद्रिय एवं पंच महाभूत के बारे में, सांख्य दर्शन के सृष्टि क्रम, सृष्टि उत्पत्ति क्रम जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए इन एकादश इंद्री और पंच महाभूत की, पंच महाभूत है क्या, इंद्रिय किसे कहते हैं, इंद्रिय के गुण क्या है, इंद्रिय कैसे क्रियाशील होते हैं और इसकी उत्पत्ति कहां से होती है, इन सभी विषयों के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आइए इस कड़ी में आप बड़े ध्यान से, जिस प्रकार प्रथम कड़ी को आपने सुना और देखा, आज उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ स्लाइड पीछे वाले को मैं रिपीट करता हूं ताकि आपको सही तरह समझ आ सके। हमने शरीर का क्रमागत उन्नति के बारे में चर्चा किया था। क्रमागत का मतलब सृष्टि का चक्र, अकॉर्डिंग टू सांख्य दर्शन, जिस प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति हुई, उस सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम किस प्रकार था, इसके बारे हमने चर्चा किया था। आज उसी क्रम को, जिसे विकासवाद कहते हैं, इसके बारे में पुनः फिर से एक बार हम लोग चर्चा करेंगे। और जहां से हम लोग रुके थे, कहां रुके थे हम लोग ने, त्रिगुण, जो त्रिगुण था, त्रिगुण के पश्चात जो हमने क्रम जहां से रुका था, और जो जिस सब्जेक्ट बारे में चर्चा कर रहे थे वो है सांख्य तत्व मीमांसा। जो 25 तत्व सांख्य में दिया गया है, उन 25, कुल 25 तत्वों का जो वर्णन सांख्य दर्शन, उन्हीं के बारे हम लोग प्रकाश डाल रहे थे। सांख्य सम्मति जो 25 तत्व है, उसका वर्गीकरण मैंने पहले स्लाइड में चर्चा किया था, जैसे कि आप यहां देख पा रहे हैं। प्रकृति एक, विकृति है 16, और प्रकृति विकृति दोनों है वो 7 है, और न प्रकृति और न विकृति है, ये एक पुरुष ही है, इसके बारे हम लोग चर्चा कर चुके थे। इसमें सांख्य के अनुसार जगत का विकास प्रकृति से होता है, प्रकृति इसके प्रथम तत्व है, और जो कि द्वैतवाद है सांख्य दर्शन, तो उसमें पुरुष एक अतिरिक्त अन्य सत्ता के रूप में स्वीकार किया गया है, क्योंकि पुरुष और प्रकृति दोनों के संयोग होता है। मैंने पहले भी चर्चा किया था, पुं प्रकृति संयोग वियोग योग इत्यभिधीयते, पुरुष और प्रकृति के संयोग का वियोग ही योग है, इस प्रकार की हमने बात कही थी, जो कि महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन में इसका विस्तृत वर्णन किया है। तो प्रकृति है क्या, इसे पहले स्लाइड में मैंने चर्चा किया था, पहले आपके लेक्चर में, कि सत्व रजस तमो गुणानाम साम्यावस्था मूल प्रकृति है। जो मूल प्रकृति है वो सत्व रज और तम तीनों की साम्यावस्था है। बहुत ज्यादा विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा, इसके बारे में चर्चा मैं कर चुका था इसमें अगले पहले लेक्चर में। तो ये प्रकृति सत्व प्र और क्रि और ति, तीन जो वर्ण है, ये सत्व रज और तम तीनों ही शब्द को, तीनों ही अक्षरों को, शब्दाक्षरों को ही क्या है, ये सूचित करता है। तो सृष्टि जो चक्र था, पुरुष प्रकृति और ये महत बुद्धि अहंकार, जिसमें हमने चर्चा किया था सात्विक राजसिक और तांसिक के तीन गुणों के चर्चा किया था। प्रकृति और पुरुष के मिलन से बुद्धि अर्थात महत तत्व की उत्पत्ति होती है, और ये बुद्धि जो होती है उसे कहा गया है, ये बुद्धि जिसे विवेकशीलता जिसके अंदर में, जिसमें क्या है, जिसे विश्लेषण करने की क्षमता, एनालाइज करने के पावर, ये बुद्धि के पास होती है। ये बुद्धि अपने आप में प्रकाशित नहीं है, किंतु ये पुरुष आत्मा का जब प्रकाश इनसे संश्लिष्ट होता है तो इतना प्रकाशित होता है कि अपना अस्तित्व भूल जाता है, उसे लगता है कि मैं ही प्रकाशित हूं, और उसे अहंकार उत्पन्न होता है। और वो अहंकार भी तीन प्रकार के बताए गए हैं, वो है पहला है सात्विक अहंकार, दूसरा राजसिक अहंकार मित्रों, और तीसरा है तामसिक अहंकार। ये अहंकार जब उत्पन्न होते हैं तो अहंकार जो सत्व रज तम तीनों के बारे हमने चर्चा किया था, तो ये सत्व रज और तम सात्विक एकादश प्रवर्तते वैकृताद अहंकारात भूतादि तस्मात्रांश तामस्तद तद तदस्तेजसादुभयम्। इसमें कहा गया है कि अहंकार के सात्विक रूप से 11 इंद्रियों का सात्विक गुण उत्पन्न होता है। अहंकार का सात्विक स्वरूप जो हमारे इंद्रिय के रूप में हमारे सामने परिलक्षित होता है,
ये कौन कौन सी है? ये है पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय और एक उभय इंद्रिय है। कुल मिला के ये एकादश इंद्रिय अहंकार के सात्विक स्वरूप से उत्पन्न होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस इंद्रियों की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो अहंकार का जो सात्विक स्वरूप है, इस सात्विक स्वरूप से ये एकादश इंद्रिय की उत्पत्ति होती है। और ये एकादश इंद्रिय, जिसमें पांच बाह्य ज्ञान इंद्रिय है, पांच कर्मेंद्रिय है और एक उभय इंद्रिय के बारे में बात की, जिसे आंतरिक ज्ञानेंद्रिय कहते हैं, जो कि मन शामिल है। तो ये हमारे पास जो आपके समक्ष ये 13 तत्व आपके सामने आता है, ये 13वां तत्व जो मन है और ये पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय सभी मिलाकर एक आदर्श इंद्रिय जिसका विकास होता है, वे अहंकार का सात्विक स्वरूप है। मित्रों, अब चर्चा करते हैं कि इंद्रिय है क्या। मैंने बहुत कुछ अध्ययन किया है, अध्ययन करने का प्रयास किया है, बट इंद्रियों के बारे में कहीं ज्यादा विस्तृत वर्णन चर्चा नहीं मिला। लेकिन ईश्वर कृष्ण जी ने अपने सांख्य कारिका में इसके बारे में चर्चा की, अपनी व्याख्या में इंद्रिय है क्या, उसमें एक व्युत्पत्ति दिया है, इंद्रिय मिंद्र लिंगम, अर्थात इसका मतलब तात्पर्य है कि इंद्र शब्द से ध्यान प्रत्यय करने पर ये होने होकर मिलने से इंद्रिय शब्द की सिद्धि होती है। और यहां पे इंद्र आत्मा को कहा गया है, आत्मा का द्योतक इंद्र है और उसका लिंग ज्ञापक या बोधक होने के कारण इसको इंद्रिय कहा गया है। अर्थात आत्मा का बोध कराने वाला ये तत्व है एकादश जो इंद्रिय है। आप देख लीजिए, किसी प्रकार हो, किसी की प्रवचन, किसी की संग, कोई संगीत या किसी की कुछ भी, हम लोग स्पर्श से, अनुभव से, ये सारे ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमें हस्तगत होता है। और कर्मेंद्रिय से हम अच्छे कर्म करते हैं, चाहे कर्म योग हो या कोई भी योग हो, ये जो इंद्रिय है जो एक्सेप्ट करता है और आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप का भान कराने में सहयोगी होता है, इसलिए इंद्रिय है। इंद्रिय का सामान्य स्वरूप यह है कि इसका उपादान कारण सात्विक अहंकार है। यह हमें बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना पड़ेगा कि सात्विक अहंकार जो है यही इसका उपादान कारण है। मित्रों, उपादान कारण क्या है, इसके बारे में आपके सामने प्रश्न उठ रहा होगा मन में। तो उपादान मतलब जिसमें पूर्व ही उसके गुण विद्यमान होते हैं, पूर्व से जिसमें गुण उसका विद्यमान हो, दैट्स आर उपादान। जैसे जैसे अगर तेल निकालनी है तो तेल, तिल में, तिल जो है तेल का उपादान कारण है, क्योंकि तिल में तेल का गुण पहले से विद्यमान है। क्योंकि अगर तिल में अगर तेल नहीं होता तो तेल निकल नहीं सकता, उपादान मतलब पूर्व से विद्यमान। अगर ऐसा संभव होता तो कंकड़ से भी हम तेल निकाल सकते, पर संभव नहीं है। ये उपादान का मतलब है जिसमें पूर्व से उसके सारे करण, उसके कारणभूत तत्व पहले से विद्यमान हो। तो सात्विक अहंकार अहंकार है, इसमें ये इंद्रिय की सारी क्वालिटी, सारे शुद्ध स्वरूप, क्योंकि सत्व होने से वो आत्मा का द्योतक है, आत्मा का बोध कराने वाला होता है। ये इंद्रियां दो प्रकार की है, ज्ञानेंद्रिय जिसे बुद्धि इंद्रिय कहते हैं, और दूसरा है कर्म इंद्रिय। और इसमें जो बुद्धि है, जो बुद्धि इंद्रिय है जिसे हम लोग ज्ञानेंद्रिय कहते हैं, ये दो प्रकार के हैं, ध्यान रखना पड़ेगा। ये दो प्रकार के कौन कौन से हैं, ये दो प्रकार है। पहला है पांच बाह्य ज्ञानेंद्रिय, जिसे चक्षु मतलब आंख, श्रोत्र कान, घ्राण नासिका, रसन मतलब जीवा और त्वचा हमारी स्किन है। ये बाह्य ज्ञान इंद्रिय है, विषयों को हमें, विषयों से हमें ज्ञान कराता है आसपास के वातावरण का। और इसके पश्चात जो है एक आंतरिक ज्ञान इंद्रिया है जिसे मन कहते हैं। इसी के बारे में मनुष्य ने कहा है, मन एव मनुष्यानाम कारण बंध मोक्षयो, यही मन ही है जो बंधन और मुक्ति का कारण है। कहा भी गया है ना, मन के हारे हार है और मन के जीते गुड जीत। तो ये मन के हारे हार और मन के जीते जीत है, ये मन ही है जो हमें बांधता भी है, हमें मुक्त भी करता है। तो मित्रों, इसका बड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि मन है क्या, मुक्ति का आधार है। अब ये हम इंद्रियों के बारे में चर्चा किया है, इसमें दिया गया तो ये इंद्रिय कौन से, बुद्धिन्द्रियाणि चक्षु श्रोत्र घ्राण रसनात्व व्याख्यानि वाक पाद पाणि पायु स्थ कर्मेन्द्रियाण्याम। ये सांख्य कारिका के 26 नंबर
जो श्लोक है इसमें चर्चा की है, ज्ञानेंद्रिया क्या है? वे शक्तियां अथवा इंद्रियां जिनसे विषय ज्ञान हम तक पहुंचता है, ज्ञानेंद्रिया कहलाती है। विषय ज्ञान कुछ भी हो, हमारे आसपास के सारे वातावरण का जो ज्ञान हमें मिलता है वे ज्ञानेंद्रिया, क्योंकि वे हमारे आसपास की विषय जगत को देखती है और उसे हमें अनुभव कराती है। हमें का मतलब हमें आत्मा को अनुभव कराती है। कान, त्वचा, आंख, जीवा और नाक, ये पांच ज्ञानेंद्रिया क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, विषयों का ज्ञान हम तक पहुंचाती है। तो हम तक जो पहुंचाती ज्ञान, वो ये ज्ञानेंद्रिया माध्यम है जो बाह्य माध्यम से हम तक पहुंचाती है। रूप ग्रहण करने वाली इंद्रिय चक्षु है। रूप मतलब स्वरूप, कुछ भी चीज देखना है, आप कोई चीज देखते हैं तो देखकर जो आत्मसात करते हैं, दिव्य प्रकाश है, किसी अच्छे ज्योति स्वरूप परमात्मा का जो दृश्य हम देखते हैं या कोई ज्योतिर्लिंग देखते हैं, तो उसे देखकर भी हमारे अंदर एक भाव पैदा होता है, ये चक्षु है। तो मित्रों एक चीज और बता दूं, चक्षु ये आंख ही नहीं है। चक्षु का मतलब है सामान्य क्रम में चक्षु मीन्स आंख ही है, लेकिन चक्षुर इंद्रिय जो है, इंद्रिय उसकी शक्ति है, उसकी ऊर्जा है। क्योंकि अंधे व्यक्ति होता है उनके भी आंख होता है, बट आंख ही होने से कोई अस्तित्व नहीं होता, आंख के अंदर में शक्ति होनी चाहिए, देखने की क्षमता होनी चाहिए, ये चक्षु है, उसे हम इंद्रिय कहते हैं। शब्द जिससे ग्रहण हो वो स्रोत है, कान है, कान के माध्यम से हम शब्दों को श्रवण करते हैं। गंध जिससे ग्रहण वो घ्राण है, नासिका है। तो ये नाक जो बना हुआ स्ट्रक्चर यही नहीं है, बल्कि उसके अंदर की ऊर्जा, एनर्जी, शक्तियां हैं, वो घ्राण इंद्रिय है। रस जिससे ग्रहण हो उसे रसना या जीवेंद्री कहते हैं। ये जीवा इंद्रिय जो हमारा है, जीव है, क्योंकि जीव होता है, अगर स्वाद नहीं आ रही है तो इंद्रिय, वहां से इंद्रिय की शक्ति कहीं ना कहीं विलुप्त हो गई है। स्पर्श करने वाली इंद्रियों को त्वचा कहते हैं। तो स्पर्श करने की क्षमता हमारी स्किन में होती है, इसे हम लोग त्वचेंद्रिय के नाम से इसे जानते हैं। अब ये जो हमने चर्चा किया था, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और एक उभयेंद्रिय, अब उभयेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय कौन कौन से मैंने बताया था, नेत्र, श्रोत, घ्राण, रसन और त्वक, क्योंकि ये पांच ज्ञानेंद्रिय से उत्पन्न होता है। आप स्लाइड को बड़े ध्यान से देखिए, ये पांच ज्ञानेंद्रिय उत्पन्न हो गया और वैसे ही ये पांच जो हमारे समक्ष जो है कर्मेंद्रिय है। तो सबसे पहले देख ले कि कर्मेंद्रिय है क्या। कर्मेंद्रिय वे हैं जब ज्ञानेंद्रियों द्वारा विषय ज्ञान प्राप्त होने पर हमारे अंतःकरण में उस पर प्रतिक्रिया होती है और वह प्रतिक्रिया कर्म द्वारा बाहर जिसके माध्यम से प्रकट होती है उसे कर्मेंद्रियां कहते हैं। बहुत सटीक और मार्मिक जो व्याख्या आचार्य शंकर का जो भाष्य लिखा गया है विवेक चूड़ामणि में, ये ज्ञानेंद्रियों के कर्मेंद्रियों के बारे में महत्वपूर्ण चर्चा किया गया है इसमें। अब ये जो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय हमारे सामने जिसकी चर्चा की है स्वामी चिन्मयानंद जी ने, तो निश्चित तौर से ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, समझना पड़ेगा। ज्ञानेंद्रियों का ज्ञानेंद्रियों द्वारा विषय ज्ञान प्राप्त होने पर वे हमारे अंतःकरण होते हैं। अच्छा, अंतःकरण की जहां पे प्रश्न है तो अंतःकरण जो सांख्य दर्शन में तीन अंतःकरण बताए गए, जबकि वेदांत में अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। इसमें अंतःकरण त्रय, अंतःकरण त्रय कहा गया, त्रय तीन है, महत बुद्धि एक, दूसरा अहंकार और तीसरा मन, ये अंतःकरण चर्चा की गई है। यहाँ पे चित्त के बारे में विस्तार से प्रकाश नहीं डाला गया है, क्योंकि हमारे वेदांत दर्शन जो है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन चारों को कहते हैं अंतःकरण चतुष्टय। तो अंतःकरण में उस पर प्रतिक्रियाएं होती है और उस प्रतिक्रिया स्वरूप प्रतिक्रिया करने पे कर्म द्वारा जब बाहर जिसके माध्यम से प्रकट होती है, जैसे हाथ है, आंख ने देखा और बुद्धि ने विचार किया, क्रिया प्रतिक्रिया की, और अब कुछ हाथ कुछ करने के लिए उद्यत होता है, पैर चलने के लिए तैयार होता है, तो ये हमारा कर्मेंद्रिय है। हम कर्म करने के लिए तब तत्पर होते हैं। ये कर्मेंद्रियां पांच है, वाक, वाणी, पाणी, हाथ, पाद, पैर, वायु, गुदा, उपस्थ मीन्स लिंग, ये पांच हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं। ये ही वे बिंदु स्थल है, थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है, ये ही वे बिंदु स्थल है जहां से
व्यक्ति की वह प्रतिक्रिया स्वरूप कर्म शक्ति फूट पड़ती है। ये पांचों जिसके बारे में चर्चा की है, इसीलिए इसे हम लोग कर्मेंद्रिय कहते हैं। अब इसको हम यहां पे देख पाएंगे, क्योंकि ये स्लाइड में हमने पहले से पहले चर्चा की, ये पांच जो कर्मेंद्रियां थी, और पांच कर्मेंद्रियां और उन पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, पांच ज्ञानेंद्रियों के बारे में चर्चा किया था, और वैसे ही ये पांच कर्मेंद्रिय हमारे पास है। हिरावर की इस तरह दिखाया गया है, आपको ये दिखाने का मतलब है ताकि आप इसको समझ सके। तो इसमें वाणी जो वाक है, हाथ है, पैर है, गुदा है, उपस्थ मतलब लिंग है, तो ये हमारे ज्ञानेंद्रिया है। इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम क्या है, ज्ञान अर्जित करते हैं। अब प्रश्न यह है कि उभय इंद्रिय क्या है, या जिसको हम लोग कहते हैं आंतरिक ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। उभयात्मक मन संकल्प इंद्रिय च साधर्म्यात्, ऐसे सांख्य कारिका में बात कहेगी। मन दोनों प्रकार की इंद्रिय है, इसलिए उभय इंद्रिय कहा गया है। ये बाह्य इंद्रिय है और आंतर इंद्रिय, दोनों प्रकार के इंद्रिय, दोनों प्रकार कर्म कर सकता है, वह संकल्प करता है, करने वाला है, तथा इंद्रिय भी है। ये सोच समझने कहता है कि निर्गुण मन कहीं लग नहीं रहा है, या मन लगे तो काम करेंगे। देखो इंद्रिय तो है, लेकिन ये मन दोनों प्रकार के होने से इसको उभय इंद्रिय कहा गया है। ये हमारे जीवन के लिए, हमारे यौगिक साधना के लिए एक महत्वपूर्ण क्रम के रूप में स्वीकार किया गया है मन को। मन से संयुक्त होने पर भी इंद्रियां अपनी विषय में प्रवृत्त करती है, प्रवृत्ति करती है, अन्यथा नहीं कर सकती। जितने भी हमने पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रिय, इनके साथ मन का संयुक्त होना आवश्यक है। एग्जाम्पल के लिए यदि आप कहीं टीवी देख रहे हैं, अच्छे से धारावाहिक चल रही है आपके मन पसंद, और आप बिल्कुल कंसंट्रेशन से देख रहे हैं, किसी व्यक्ति ने या माँ ने ही आपके किचन से आवाज लगा दी, बेटे नाश्ता कर लो, और आपने बहुत सारी बातें माता जी बोलती रही और आप जी 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 कहते रहे। बाद में माँ ने पूछे, बेटा मैंने क्या क्या बात कही आपसे? बोले माँ आप कुछ बोल तो रही थी, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया कि आप क्या बोल रही थी। क्योंकि मित्रों मन जो लगा था आपके उस टीवी के उस सीरियल में, या जो देख रहे थे जो ऑब्जेक्ट सामने, उस पे आप कंसंट्रेट थे, मन वहां लगा था। केवल एक इंद्रिय थी जो स्रोत इंद्रिय वहां सुनने का प्रयास कर रही थी, लेकिन मन संयुक्त न होने की वजह से आप उसके एक्सेप्ट नहीं कर पाए। तो मन से संयुक्त होने पर ही इंद्रिया अपने विषय में प्रवृत्ति करती है, ये महत्वपूर्ण है इसमें, अन्यथा वो उस तरह से कर्म बनती ही नहीं है, यहाँ पे क्रिया प्रतिक्रिया होती ही नहीं है। तो मन, इसलिए इसको उभय इंद्रिय के रूप में स्वीकार किया गया है। तो ये हमने पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, एक यहां पे बच गया है जिसको हम लोग उभय इंद्रिय कहते हैं। ये उभय इंद्रिय हमारे पास ये मन है, जो 14 नंबर 14 नंबर जो है वे मन है, और मन हमारे जीवन के लिए, हमारे सब कुछ करने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि मन ही लगता है तो सब कुछ व्यक्ति करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। तो सांख्य दर्शन में मन का अपना यहाँ पे अस्तित्व बताया है, जो संकल्प विकल्पात्मक है, संकल्प विकल्प कर सकता है, और इंद्रिय के रूप में भी ये कार्य कर सकता है। अब ये तो हमने चर्चा किया पांच कर्मेंद्रिय, पांच ज्ञानेंद्रिय और एक मन के बारे में, जो उत्पन्न हुआ था अहंकार के सात्विक स्वरूप से। अब हम लोग चर्चा करते हैं पंच तन्मात्राओं के रूप में। अब ये पंच तन्मात्रा है क्या? जैसे सात्विक स्वरूप से ये पंच ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय उत्पन्न हुआ, वैसे ही तामसिक अहंकार से पंच तन्मात्राओं का विकास होता है। अर्थात अहंकार का जो तामसिक स्वरूप है उससे उत्पन्न होता है तन्मात्राएं। तन्मात्रा अति सूक्ष्म और सारूप होता है, ये पांच है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये पांच तन्मात्राएं पहले उत्पन्न होती है तामसिक स्वरूप से। इन तन्मात्राओं से स्थूल महाभूत का विकास होता है क्रमशः, और एक एक नहीं, इसमें एक के बाद दो तीन ऐसे अलग अलग जो तन्मात्राएं उससे मिलकर बनती है, जैसे कि मैं यहां पे स्लाइड में दिखाने का प्रयास किया है। सबसे पहले अति सूक्ष्म जो तन्मात्रा है वे है हमारे शब्द तन्मात्रा, और शब्द तन्मात्रा से आकाश की उत्पत्ति होती, जिसे इधर कहते हैं हम लोग। शब्द प्लस स्पर्श, जब दोनों तन्मात्राएं मिल जाती है तब वायु तत्व की उत्पत्ति होती है, एयर।
और नंबर तीसरा जो शब्द स्पर्श और रूप, ये तीनों तन्मात्राएं जब मिल जाती है तो अग्नि तत्व की उत्पत्ति होती है। अर्थात तन्मात्राओं से देखिए किस प्रकार सीक्वेंस से तत्वों की उत्पत्ति हो रही है। ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, एग्जाम के दृष्टिकोण से, विशेषतर यूजीसी नेट में आपको ये प्रश्न पूछा जाता है। शब्द स्पर्श रूप और रस, ये चार आपके तन्मात्राएं मिल जाती तो जल तत्व की उत्पत्ति होती है। और अंतिम जो सबसे भारी तत्व है, पृथ्वी भारी क्यों है, इस प्रश्न का जो उत्तर यहाँ पे सन्निहित है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर के चारों तन्मात्राएं इसमें साथ संयुक्त होती है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। गंध अपनी पृथ्वी की तन्मात्रा, लेकिन इसका संयुक्त पांचों जब तन्मात्राएं मिलती है तो पृथ्वी तत्व का आविर्भाव होता है। पृथ्वी तत्व में ये पांचों गुण किसी न किसी रूप में विद्यमान होती है। अर्थात पृथ्वी को आप आकाश के रूप में सूक्ष्म बना सकते हैं, वायु को हवा में उड़ा सकते हैं धूल के रूप में, अग्नि जला देते हैं लकड़ी को आप, और जल जो है क्या है इसको हम लिक्विड फॉर्म में भी बना सकते हैं। कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य है कि पंच महाभूत की उत्पत्ति इन तन्मात्राओं से होती है। पंच महाभूतों से ही जगत के सभी स्थूल पदार्थों का विकास संघात रूप में होती है, संघनित रूप में, एकत्रित रूप में होता है। इस प्रकार प्रकृति में अव्यक्त जगत विरूप परिणाम से व्यक्त होता है। यहाँ पे विरूप परिणाम मैंने पहले भी आपके अपने क्लास में चर्चा किया था, विरूप परिणाम मैंने प्रकृति की विकृति के रूप में चर्चा किया था। इसमें प्रलय अवस्था में पुनः प्रकृति के तीनों गुण के रूप में स्थित हो जाती है, अर्थात सम्यावस्था आती है तो प्रकृति अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाती है। लेकिन जब विरूप परिणाम होता है तो ये सारे तन्मात्रा, सभी तन्मात्रा, ये सारे तत्व उत्पन्न हो जाते हैं और सृष्टि का क्रम फिर शुरू होता है। तो महर्षि कपिल ने इस प्रकार से सांख्य दर्शन में सृष्टि उत्पत्ति का जो क्रम बताया, जो चक्र बताया है, वो चक्र सीक्वेंस क्रमशः इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप आपके सामने आप देख पा रहे हैं। इसमें जो पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, मन, जैसे कि हमने कहा था कि ये सात्विक अहंकार, अहंकार से सत्व से पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय उत्पन्न हुए, वैसे ही तमस, जो तमस हमारे हैं, तमस रूपी अहंकार से ये पंच तन्मात्राएं पहले उत्पन्न होती है, जिसमें शब्द स्पर्श रूप रस और गंध है। और इन्हीं तन्मात्राओं से महाभूत की उत्पत्ति होती है, जैसे मैंने चर्चा किया था, शब्द से आकाश, स्पर्श से वायु, रूप का अग्नि, रस का जल और गंध है पृथ्वी। अगर इसका व्यवहारिक स्वरूप देखा जाए, इसके बारे में चूंकि मैं एक अलग से पूरे एक वीडियो आपके सामने आ रही है, इसके व्यवहारिक स्वरूप कैसा हो सकता है, व्यक्तित्व कैसे पहचान सकते हैं, चिकित्सा जगत में कैसा इसको उपयोग कर सकते हैं, बहुत सारे मित्रों इसमें विस्तृत इसकी व्याख्या हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन आज मैं कुछ तो चर्चा कर दूं इसमें कि आपके पृथ्वी तत्व है, गंध है, शरीर में कहीं भी गंध आती है, आप पूरे कहीं भी भेद गंदगी महसूस हो रहा है, तो आपको ये चीज ज्ञान हो जानी चाहिए वो पृथ्वी तत्व विद्यमान है वहां पे। लिक्विड जहां भी, जिस रूप में भी, जिस जगह भी है, वो जल तत्व की प्रतिपादक है। हमें तो ये और जानना पड़ेगा कि प्रत्येक तत्वों की क्वालिटी जानना पड़ेगा। अब एक एक तत्वों के गुणधर्म जब आप जान जाएंगे तो आप उस सारे व्यक्तित्व को, सारे तत्वों के व्यक्ति, इंसान या जो कुछ भी है, उसके सारे गुणधर्मों को आप जानते हुए चले जाएंगे। इसके बारे में सांख्य दर्शन में, सांख्य कार्य का और आपके अलग अलग ग्रंथ, जिसमें से आपका आयुर्वेद भी है, आयुर्वेद में तत्वों की सत्रजतम और सात्विक, राशिक, तामसिक, इन सत्रजतम और त्रिगुणों के बारे में चर्चा करते हैं, वात पित्त कफ के कप के रूप में चर्चा करते हैं। और वैसे ही एक हमारे हठयोग के महत्वपूर्ण ग्रंथ है सिद्ध सिद्धांत पद्धति, इसमें भी इसका विस्तार से वर्णन है। कभी भी मौका मिले तो आप जरूर देखिएगा। मैं अगले स्लाइड में इसके बारे में, अगले स्लाइड मीन्स अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा मैं। तो ये पंच महाभूत और पंच तन्मात्राएं जो उत्पन्न होती है, शब्द आकाश है, अर्थात शब्द जो गुंजित होती है, अति सूक्ष्म तत्व कहा गया है शब्द को। इन पांच तन्मात्राओं में सबसे सूक्ष्म जो है वो शब्द है, क्योंकि उसमें एक ही तन्मात्राएं हैं, जबकि दो तन्मात्राएं आपका स्पर्श बनता है वायु तत्व के लिए।
अर्थात एक कर इन पांचों में से किसी एक को हटा दिया जाए तो ये तत्व का स्वरूप नहीं बन पाएगा और ये आपकी तन्मात्राओं का स्वरूप नहीं बन पाएगा। हमें इन तत्वों की उत्पत्ति के लिए इन पांचों तन्मात्राओं का होना बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद सृष्टि चक्र जो हमने चर्चा किया था, ये संपूर्ण क्रम देखिए इस प्रकार हम एक स्लाइड में आपको दिखा पा रहे हैं, इसको आपको स्मरण रखना चाहिए। जो 25 तत्व बात की गई है सांख्य दर्शन में और योग दर्शन में 26वां तत्व स्वीकार किया है। यहां 25वां तत्व पुरुष है और योग में 26वां तत्व क्या चर्चा किया गया है, हाँ गुड, 25वां 26वां तत्व ईश्वर है। तो ये 26वां तत्व तस्य वाचिका प्रणव प्रणव के रूप में स्वीकार किया, वो सांख्य दर्शन आपका योग दर्शन है। तो योग दर्शन में 26वां तत्व है और सांख्य दर्शन का 25वां तत्व ये पुरुष के रूप में स्वीकार किया गया है। और सीक्वेंस स्टेप बाय स्टेप इस तरह से पूरे पूरे सृष्टि क्रम अकॉर्डिंग टू सांख्य दर्शन का क्रम चलता है। अगले क्रम में, अगले कड़ी में इसमें देखना चाहेंगे हम लोग सांख्य में ऊपर निर्दिष्ट विकास का जो दो क्रम होते हैं, प्रत्यय सर्ग कहते हैं जिसे बुद्धि सर्ग या भाव सर्ग कहते हैं, और दूसरा है तन्मात्रा सर्ग, भौतिक सर्ग या लिंग सर्ग कहते हैं। एक्चुअली है क्या देख लेते हैं, प्रत्यय सर्ग से तात्पर्य बुद्धि अहंकार और इंद्रियों के विकास से, तथा तन्मात्रा सर्ग से अभिप्राय है उस विकास से जो तन्मात्रा से आरंभ होकर आगे बढ़ता है, अर्थात पंच तन्मात्रा पंच महाभूत तथा कार्य द्रव्यों का आविर्भाव दूसरे सर्ग में होता है। मतलब सर्ग मीन्स जब सृष्टि की उत्पत्ति पुरुष प्रकृति, तो प्रथम सर्ग बुद्धि सर्ग, मतलब आपका महद बुद्धि हो गया, बुद्धि के बाद अहंकार आ गया। अब अहंकार से जो उत्पन्न हुआ है जो पंच महाभूत भौतिक जो लिंग तत्व उत्पन्न हुआ है, वो द्वितीय सर्ग में जो तन्मात्रा सर्ग कहते हैं, जो पंच तन्मात्रा पंच महाभूत ये सारे कार्य रूप में जो आविर्भाव होता है वो दूसरे सर्ग में है। इस प्रकार प्रथम सर्ग केवल मानस वृत्तियों के उदय से संबद्ध होने के कारण भाव सर्ग या बुद्धि सर्ग कहते हैं इसको। देखिए इसमें बुद्धि है, महद बुद्धि है, और महद बुद्धि और अहंकार ये सारे हमारे मस्तिष्क की उपज होती है, और बाकी जो भौतिक सर्ग है या लिंग सर्ग है वो हमारे शरीर की रचना के रूप में काम करता है, या अन्य शब्द में एक कह सके तो एक स्थूल और दूसरा सूक्ष्म है। हमारे पास प्रत्यय सर्ग बुद्धि है जो सूक्ष्म है, और ये भौतिक जो हमारे पास स्थूल रूप में सामने प्रकट होता है। थी विकास की दोनों क्रम हमें ध्यान रखना चाहिए। और इसके बाद जो अगला क्रम है, आचार्य शंकर ने लिंग शरीर उत्पत्ति के प्रकरण में कहा है विवेक चूड़ामणि में, ज्ञानेन्द्रिया आकाश आदि सूक्ष्म भूतों के सत्वान से अलग अलग क्रमानुसार उत्पन्न होने वाले तत्व, जैसे आकाश के सत्वान से क्या होता है स्रोत यानी कि कान, जो पहले मैंने और भी चर्चा किया था, वायु के सत्वान से त्वच यानी त्वचा, आंख अग्नि के सत्वान से इस आंख की उत्पत्ति होती है, और जल के सत्वान से रचना, पृथ्वी के सत्वान से घ्राण यानी कि नाक की उत्पत्ति होती है। कर्मेंद्रियां आकाश आदि सूक्ष्म भूतों के रजोगुण के अंश से अलग अलग क्रमानुसार उत्पन्न होता है। ये क्रम कौन कौन से है, आकाश के रजोगुण से वाक यानी कि वाणी, देखिए आकाश के रजोगुण से, अब वहां पे पहले वाले क्रम में हम दिखाया था आकाश के जो रजोगुण स्वरूप है वो क्या था, एक बार आप इसमें नजर डाल लें, आकाश के सत्वान से क्या होती है स्रोत कांड की उत्पत्ति होती है, जबकि उसकी रजोगुणांश से रजोगुण स्वरूप है, उस रजोगुण स्वरूप से यहाँ पे वाक यानी वाणी, बड़ा ही कोरिलेशन है। जरा 12 की समझने का प्रयास कीजिए, एक तो क्या करता है, एक जो है आपका है कान है, सुनने का काम करता है, और एक बोलने का काम करता है। आप में देखोगे जो व्यक्ति सुन नहीं सकता वो बोल नहीं सकते, ये सुनने और बोलने का बड़ा गहरा संबंध है, क्योंकि दोनों आकाश तत्व से संबंध रखता है। मैंने यहां पर ओकल कार्ड इसलिए लिखा है क्योंकि साउंड के जिम्मेदार यहां पर है, इसका मतलब जो एक सत्व गुण है दूसरा रजोगुण है, ये दोनों गुणों का जो एनर्जी सिस्टम है वे आकाश तत्व ही है।
अर्थात आकाश तत्व में जब कोई व्यतिरेक होता है, व्यतिरेक का मतलब है कोई अप एंड डाउन असंतुलन उत्पन्न होती है, तो ध्यान रखना कान की श्रवण इंद्री, श्रवण करने की क्षमता, सुनने की क्षमता और वाणी की क्षमता में दोनों में क्या होते ह्रास होती है। वैसे ही अगले क्रम जो हमारे पास है, वायु के रजोगुणान से पानी यानी कि हाथ, और तो ये हाथ जो हमारे उत्पन्न होते हैं वायु के रजोगुणान से है, और वायु के सत्वान से क्या उत्पन्न होता है, वायु के सत्वान से उत्पन्न होता है त्वचा, स्किन। तो सत्व से आपके पास त्वचा है, लेकिन इसके रजोगुणान से आप क्या है, पानी यानी कि हाथ है। अर्थात स्पर्श जो करते हैं तो नॉर्मली आप हाथ से ही करते हैं, अर्थात ज्ञानेंद्रियां, हमने पहले चर्चा की थी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिया, तो ज्ञानेंद्रियां ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है और अंतःकरण में उसमें क्या है प्रतिक्रिया होने के स्वरूप जब वो परिणाम स्वरूप बाहर आता है उसे ज्ञानेंद्रियां कहते हैं, हमने पहले परिभाषा में देखा था। यही है ज्ञानेंद्रिय प्रतिक्रिया कर रही है और वो व्यवहारिक रूप में जब सामने प्रकट हो रही है तो आपकी कर्मेंद्रिय हो रही है, कर्मेंद्रिय के रूप में सामने आ रही है। अग्नि के रजोगुणान से क्या है, पाद यानी कि पैर, और इसके बाद है जल के रजोगुणान से वायु यानी कि गुदा एनस पार्ट, और अंतिम पृथ्वी के गुणान से उपस्थ यानी जननेन्द्रिय की उत्पत्ति होती है। इसका आपका आपस में गहरा संबंध है, और इसी को और सूक्ष्मता से देखेंगे तो हम उसके अगले क्रम में इसमें चर्चा करेंगे, अभी करेंगे तो बहुत विस्तार से हो जाएगा। तो अभी हमें इतना जानना पड़ेगा कि तत्वों के सात्विक गुण से कौन सा हमारा ज्ञानेंद्रिय उत्पन्न होती है, और तत्व कौन से तत्वों के रजोगुणान से कौन से हमारी कर्मेंद्रिय की उत्पत्ति होती है, ये महत्वपूर्ण एग्जाम के दृष्टि से आपको ध्यान रखना चाहिए। एग्जाम ही नहीं मित्रों, व्यवहारिक स्वरूप जानना है, गहराई से अपने आप को पहचानना है। अभी तक मुझे भी लगता था पहले जब मैं अध्ययन करता था कि ये क्यों पढ़ा रहे हैं, ये फिलॉसफी पढ़ने से क्या मतलब, लेकिन मित्रों ये फिलॉसफी है जो सारे सिद्धांत को बताता है चिकित्सा जगत के, और इसका संबंध गहराई से हमारे अंतःकरण मन बुद्धि जितने बात कर रहे हैं ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियां, इसी से पूरे शरीर की उत्पत्ति होती है। इनको गहराई से जानना चाहे चिकित्सा करने के लिए हो या फिर हमें व्यवहारिक जीवन में कुछ कार्य करने के लिए हो, इसको जानना बहुत जरूरी है। इसके जाने बगैर बहुत कुछ जान पाना, कुछ कह पाना असंभव सा है। तो हमने आज के इस क्रम में सांख्य योग दर्शन की द्वितीय क्रम में हमने चर्चा किया, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। इसी कड़ी को हम क्रमशः बनाए रखेंगे अभी, क्योंकि अगले क्रम इसका व्यवहारिक स्वरूप है, और एक और हम चर्चा करेंगे जिसको चित्त कहते हैं। चित्त के बारे में बहुत सारे भ्रम है लोगों के सामने, मैं चाहता हूं कि इसको संदर्भ सहित आपके सामने पुट करूं और बताऊं ताकि लोगों में भ्रम ना रहे, मन को चित्त ना कहता रहे। तो नमस्कार, आप ध्यान से सुनिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।